नमस्कार दोस्तों, मायसेल्फ दीपक वर्मा, स्वागत है आपका रेविट की एक न्यू वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा आप एक एक्सप्लोडेड व्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एक एक्सप्लोडेड व्यू को बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और एक्सप्लोडेड व्यू एक्चुअल में होता क्या है और कहाँ पे आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक ये कुछ व्यू है, एक मैंने 3D व्यू बनाया है, ये इसका प्लान है जो मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया है यहाँ पे, और ये है इसका 3D व्यू। मैं इन लेवल्स को ऑफ कर देता हूँ एक मिनट के लिए, हाइड इन व्यू एंड कैटेगरी, ओके। तो अब इसका मुझे एक एक्सप्लोडेड व्यू रेडी करना है। देखो तो एक्सप्लोडेड व्यू क्या होता है कि आप हर एक चीज को एक्सप्लोड करके दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ये रूफ है, ठीक है। अब ये जो मैंने रूफ ली है यहाँ पे, तो मैंने जो रूफ की एडिट टाइप पे जाएंगे, एडिट करेंगे, तो इसमें तीन पार्ट है, आप इन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे, मान लो मेरे पास एक नॉर्मल रूफ है, इस रूफ को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मॉडिफाई में जाके, यहाँ पे आप जाएंगे डिस्प्लेस एलिमेंट्स पे, डिस्प्लेस एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मैं अंडू कर रहा हूं दोबारा से। सबसे पहले तो आप इसका एक डुप्लीकेट व्यू रेडी करें, ये चीज ध्यान रखें, एक डुप्लीकेट व्यू आप रेडी करें। डुप्लीकेट व्यू रेडी करने के बाद आप इसे रिनेम कर सकते हैं एक्सप्लोडेड व्यू, एक्सप्लोडेड 3D, ओके। तो हम जो भी काम करेंगे अब अपना एक्सप्लोडेड 3D व्यू पे करेंगे यहाँ पे। ये तो आपका फ्लोर प्लान के लिए हो गया, और आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे 3D के लिए। आप यहाँ पे 3D पे जाएंगे, राइट क्लिक, अब यहाँ पे डुप्लीकेट व्यू रेडी करेंगे, एक्सप्लोडेड 3D व्यू आप इसे रिनेम कर देंगे, ओके। यहां पे इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम 3D पे मैंने किया एक्सप्लोडेड 3D। अब हम एक्सप्लोडेड 3D में वर्क करेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस रूफ को सिलेक्ट किया जो मेरी एक प्लेन रूफ है, इसको मैं यहां से एक्सप्लोड करता हूं, डिस्प्लेस एलिमेंट करता हूं, तो ये आपका डिस्प्लेस हो जाएगा और आप इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ ऐसे लेके आ सकते हैं। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम आप रूफ को भी कर सकते हैं, रूफ को, इस रूफ को सिलेक्ट किया, एक्सप्लोर व्यू किया और आप इसे ऐसे ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं, क्लियर है। बट इसके तीन पार्ट है, मैं तीनों पार्ट को अलग करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने अंडू किया यहां से। अंडू करने के बाद मैंने एक और अंडू किया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको सबसे पहले कर दिया क्रिएट पार्ट्स। क्रिएट पार्ट्स क्या करेगा, इसके तीनों पार्ट्स को अलग अलग यहाँ पे कर देगा। अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे तीनों पार्ट ही अलग अलग दिखेंगे। अब आप इस पार्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कर सकते हो एक्सप्लोर डिस्प्लेस एलिमेंट, और आप इसे अब एक पार्ट को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो, क्लियर है। एक पार्ट अलग हुआ, या फिर आप इस पार्ट को लेफ्ट में भी मूव कर सकते हो, राइट में भी मूव कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली जेड डायरेक्शन पे इस चीज को मूव करूंगा यहाँ पे। तो मैंने क्लिक किया, एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट 0 है, जेड डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया यहाँ पे 40, मैं चाहता हूँ 40 फिट पे। दूसरे वाला पार्ट सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने डिस्प्लेस किया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 30 पे, ये आपका 30 पे आ जाएगा। और तीसरे वाले पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने यहाँ से डिस्प्लेस किया और यहाँ पे मैंने डाला यहाँ पे 20, तो ये आपका 20 पे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपकी ये तीनों की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। आप इसको और ऊपर कर सकते हैं या फिर आप इसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं कुछ ऐसे, ताकि व्यूज आपको क्लियर दिखाई दे, क्लियर है। इसका आपने एक्सप्लोडेड व्यू रेडी किया। आप इन विंडोज को सिलेक्ट करके एक्सप्लोडेड व्यू रेडी कर सकते हैं, आप इसे डिस्प्लेस एलिमेंट करें और आप इसे यहां से डिस्प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्लियर है। सेम आप इस विंडो को सिलेक्ट करके कर सकते हैं डिस्प्लेस, आप इस पे क्लिक करें और इसको बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर दे, क्लियर है। यहाँ पे भी इस वॉल के अंदर भी अगर आप देखेंगे, अगर एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे भी काफी सारे पार्ट हैं, आप इन पार्ट को भी अलग अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, सिलेक्ट करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कर दे क्रिएट पार्ट, क्रिएट पार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट पार्ट फ्रॉम वॉल एंड ओके कर दे यहाँ पे। अब एक एक पार्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं और आप इसे इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देखो आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है, आप इसे यहाँ पे ऐसे मूव कर सकते हैं। ऐसे आप दूसरे पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसको आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ऐसे थर्ड पार्ट को सिलेक्ट करके डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसको और आगे मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे आप इसे मूव कर सकते हैं, ताकि आप अपने व्यू को बिल्कुल ईजिली दिखा पाए,
एक और पार्ट है इसका, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसको भी आगे की तरफ ऐसे मूव कर सकते हैं। एक वॉल को भी आपने डिस्प्लेस कर दिया, क्लियर। ऐसे ही हम फ्लोर को कर सकते हैं, फ्लोर को आप सिलेक्ट करो, इसके भी दो तीन पार्ट में आपने बनाया जो लेयर्स हैं इसकी, इसकी भी अगर आप एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी तीन लेयर पे वर्क है, आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इस पे सिलेक्ट क्लिक करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कर दे क्रिएट पार्ट, और क्रिएट पार्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करें और आप इसे कर दे यहाँ से डिस्प्लेस, और इसे आप नीचे की तरफ ले जाए और यहाँ पे डाल दे कि मेरे को चाहिए -20। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डाल दो -20। सेम दूसरे पार्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे डिस्प्लेस करें, इसको भी आप यहाँ पे डाल दो -15, और इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी डिस्प्लेस करें, और इसको भी डाल दो -10। आपने फ्लोर को भी यहां से डिस्प्लेस कर दिया, क्लियर है। जिस भी पार्ट को आप डिस्प्लेस करना चाहते हो बहुत ही इजी वे में उस पार्ट को आप डिस्प्लेस कर सकते हो। अब डिस्प्लेस करने के बाद क्या है कि मान लो आपको इसके साथ इनको भी ऐड करना चाहते हो, तो आप इसको क्लिक करें और इसमें कर दे एडिट डिस्प्लेसमेंट। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड और रिमूव का ऑप्शन आएगा, आप ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप इस पे क्लिक करें ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, ओके करें तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, जब इसे आप मूव करोगे तो उसके साथ ये वाली विंडो भी आपकी मूव होगी, और अगर आप इसे एडिट करके रिमूव करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं एंड फिनिश कर सकते हैं, क्लियर है। अगर आप इस पे क्लिक करके यहां से करेंगे रीसेट तो ये दोबारा से आपका रीसेट हो जाएगा। दोबारा करने के लिए आपको दोनों को सिलेक्ट करना है और आप इसे अब यहां से डिस्प्लेस करेंगे। जिन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप डिस्प्लेस करोगे वो ऑब्जेक्ट आपके वन टाइम में यहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद आप यहां पे पाथ देना चाहते हो, एक अच्छा सा व्यू क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करें और यहां पे है पाथ, पाथ पे क्लिक करें और इसके एज पे आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हो ताकि वो व्यू आपको बिल्कुल इजीली नजर आए कि कहां से उसने डिस्प्लेस हुआ है। इस तरीके की ड्राइंग बनाने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट का यूज कर सकते हैं। यहां से आप डाल सकते हैं कि यहां से डिस्प्लेसमेंट कहां से किया है ताकि वो एक अच्छा व्यू आपके सामने नजर आए, क्लियर है। सेम आप यहां पे फ्लोर के लिए कर सकते हैं, सेम आप यहां पे इस विंडो के लिए कर सकते हैं। और सेम आप इन वॉल्स के लिए कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से आप एक अपने व्यू को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करके आप अपने व्यू को दिखा सकते हैं। और अच्छे से अगर आपको ये देखना है व्यू को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेवल वन पे जाएंगे और हम एक कैमरा प्लेस करेंगे। हम यहाँ पे मासिंग व्यू पे जाएं, 3D व्यू, कैमरा व्यू, और आप एक कैमरा यहाँ पे प्लेस करें। जब आप प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है तो हम कुछ इस तरीके से इसको करते हैं। वो हमने डुप्लीकेट व्यू किया था ताकि अब वो इसमें नजर नहीं आएगा। हम इस व्यू में अब दोबारा से डिस्प्लेसमेंट को करेंगे। अब उसके लिए मैं इस पे क्लिक करता हूं, बट अब इसमें पार्ट को आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इस व्यू में आने कैमरा लगाने के बाद आप इसे पार्ट को अलग नहीं कर पाएंगे। तो मान लो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस किया और आप इसे यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। सेम आप विंडो को सिलेक्ट करें, इसको डिस्प्लेस करें यहां से। सेम आप इस विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। सेम आप फ्लोर को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेस करें नीचे वाली डायरेक्शन में। अब आपके पास एक व्यू यहाँ पे रेडी हो गया। अब यहाँ पे आप पाथ डाल सकते हैं, आप इस पे क्लिक करें पाथ। जो जो आपके सामने है आप उन्हीं को पाथ डालें, ज्यादा मत करें क्योंकि जितना ज्यादा आप इसे करेंगे उतना ही आपको थोड़ा सा ये और नजर आएगा। जिस एंगल से आप देख रहे हैं उसी एंगल के व्यू को आप यहां से रेडी कर सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर वो नजर आए। थोड़ा सा एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्लियर है। कुछ इस तरीके से आप अपने व्यू को यहां से डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्लियर दोस्तों। अब इसको और अच्छा दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे शेडेड व्यू भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ से रियलिस्टिक व्यू भी यूज कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे शेड हिडन लाइन करके आप जाएं ग्राफिक डिस्प्ले पे और शेडो पे क्लिक करके आप कास्ट शेडो और एम्बियंट शेडो आप ऑन करें, ओके करें, तो आपको कुछ इस तरीके से शेडो दिखाएगा वो,
और इसकी थोड़ा सा शेडो डार्क है थोड़ा कम करने के लिए दोबारा आप जा सकते हैं यहीं पे, और लाइटिंग को आप हल्का सा, सनलाइट को आप हल्का सा कम, एम्बिएंट लाइट को आप हल्का सा ज्यादा, और शेडो को हल्का सा कम कर सकते हैं, तो वो उसी तरीके से आपके व्यू को दिखाएगा और एक परफेक्ट एक्सप्लोडेड व्यू आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। किसी भी तरीके की व्यू को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो बहुत ही इजी वे में आप इस तरीके को यूज करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल को फाइन कर सकते हैं ताकि वो फाइन डिटेल आपको यहाँ पे नजर आए। क्लियर, ये तो हो गया घर का एक्सप्लोजन एक्सप्लोर। अगर आपको करना है अपने अगर आपके पास कोई स्टेयर है उसको एक्सप्लोर करना है तो उस स्टेयर को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मान लो मैंने एक स्टेयर बनाई यहाँ पे एंड फिनिश 3D। अब मैं अपनी स्टेयर पे जाता हूं और मैं इनको सिलेक्ट करके बॉटम फिल कर देता हूँ। क्लियर है, अब आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसे सिलेक्ट करें, मान लो आपको रेलिंग भी एक्सप्लोर करनी है तो टैब प्रेस करके आप इसको सिलेक्ट करें और टैब प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके आप इसको भी सिलेक्ट करें। और इसको आप यहां से कर दें डिस्प्लेस, इसको आप ले जाएं ऊपर, आपकी रेलिंग से अलग होगी। इन दोनों रेलिंग को सिलेक्ट करके आप यहां से डिस्प्लेस करें, ये आप यहां पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी स्टेयर को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं और फिर क्लिक करके आप पाथ डाल सकते हैं कि कहां से आपने डिस्प्लेसमेंट आपने यहां से लिया है। कुछ इस तरीके से आप अपने पाथ को भी यहां से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको भी क्लिक करेंगे, इसको भी आप डिस्प्लेस करें ताकि आप इसके भी पाथ यहां से प्रोवाइड कर पाए। आप क्लिक करें पाथ, जो भी पाथ आपको यहां पे देना है, जो भी प्रोजेक्शन आपको दिखानी है, कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। क्लियर, उसके बाद है कि जब आप यहाँ पे 3D व्यू में जाएंगे, ये आपका जो 3D व्यू यहाँ पे एक्सप्लोडेड 3D व्यू रेडी किया है, कैमरा जो हमने लगाया था, इसके ये जो प्रोजेक्शन लाइन है इसको आप क्लिक करके राइट क्लिक करें, ओवरराइड करें यहाँ पे और बाइक कैटेगरी पे क्लिक करें, तो यहाँ से आप अपने इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको रेड कलर चाहिए, ओके करें एंड ओके, तो आपका यहाँ पे देखो रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, इसकी थिकनेस आपको ज्यादा चाहिए तो राइट क्लिक करें, आप यहाँ पे जाएं बाई कैटेगरी करें और आप यहाँ पे थिकनेस डाल सकते हो 3-4 जितनी भी आपको चाहिए, ओके। बट आपको थिकनेस दिखाई तब देगी जब आप व्यू पे जाके आपने यहाँ से थिन लाइन को अनचेक किया होगा, तब आपको इसकी थिकनेस यहाँ पे नजर आएगी। थिकनेस कम लग रही है तो क्लिक करें राइट क्लिक ओवरराइड बाई कैटेगरी और आप इसकी थिकनेस को यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे थिकनेस नजर आएगी। अगर थिन लाइन ऑन कर दिया तो आपको इस तरीके से आपके व्यू नजर आएगा। तो ऐसे करके आप अपने एक्सप्लोडेड व्यू को रेडी कर सकते हैं। ये तो छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में एक्सप्लोडेड व्यू क्या होता है और किस तरीके से आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइप से आपको एक्सप्लोडेड व्यू रेडी करना है तो उसी एंगल से आप अपने एक्सप्लोडेड व्यू को यहां से रेडी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये था आज की वीडियो में, ये तो छोटा सा पार्ट था, आगे चल के और भी बड़ी ड्रॉइंग्स को मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से इस चीजों के बारे में पता चले और एक अपना एक्सप्लोडेड व्यू रेडी कर पाए। और अगर किसी ने मेरी वीडियोस और नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और ऑटोकैड से रिलेटेड तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स, फोटोशॉप और आप 3ds मैक्स के जो रेंडर निकलते हैं, ऑटोकैड मैकेनिकल की ड्रॉइंग्स, ये वाले ड्रॉइंग्स जो आपकी होती है 3ds मैक्स में, और आप लूमिन और स्केचअप बहुत ही ईजी वे में सीख सकते हैं। और अगर आपने अगर मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाएं दीपक वर्मा इनके आप टाइप करें तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और जो लेटेस्ट ट्रेंडर्स हैं वो आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। और आप ग्रुप डिस्कशन में आना चाहते हैं तो फेसबुक पेज के ग्रुप में जाएं और वहां पे जाके आप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन आप वहां पे कर सकते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उन पे हमें फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे वे में आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।